आज का ऑर्डर है रेड और वाइट बेबी डॉल केक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षी है। मैं केक बनाती हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ कस्टमर के डिमांड पे बेबी डॉल केक, और वो भी नॉर्मल बेस में, विदाउट एनी डॉल के बेस में। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। और इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया, ये बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत बढ़िया केक है। तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ आपको जैसे आप नॉर्मली केक बनाते हैं वैसे ही बनाना, और उसको आपको एकदम क्लीन फिनिशिंग भी नहीं देनी है। नॉर्मल आप क्रम कोटिंग करके उसको हाफ आवर्स के लिए सेट होने के रख दीजिए, फिर तब तक कि आप अपना आगे का वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि रेड और वाइट कलर की क्रीम, वाइट तो आपकी क्रीम पहले से ही रहती है, अगर आप किसी और कलर्स का बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कस्टमर की डिमांड थी रेड वाइट, तो मैंने रेड वाइट से बनाया हुआ है। तो रेड कलर के फ्लावर्स मैंने और वाइट कलर के फ्लावर्स बनाए हुए, इससे पूरे केक को कंप्लीट किया। और केक को कैसे कंप्लीट किया है, कैसे इसको कवर अप किया है, फुल वीडियो, तो आप लोग बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने रेड कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए, फिर मैंने वाइट कलर के फ्लावर्स बनाए, और उसके बाद मैं रेड कलर के फिर से फ्लावर्स बना रही हूँ। और जितना भी आपको एरिया वो सारा कवर करते जाना है। तो ये देख रहे होंगे कितने बढ़िया तरीके से हमारा डॉल केक रेडी हो रहा है। और ये देख सकते हैं, बिगनर्स के लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है पहले क्लीन करते हुए। और जैसे अगर आपको नॉर्मल डॉल के बेस में नहीं बेक कर पा रहे, नहीं बना पा रहे, तो सबसे इजी तरीका है कि आप जैसे नॉर्मल बेस बनाते हैं वैसे बनाइए, और इसकी आइसिंग बीच में आप डॉल रख के, या फिर आप थोड़ा सा आगे डॉल को करके इसकी पूरी डिज़ाइन कवर कर सकते हैं, और इसका भी लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरा केक कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो रहा था। पूरे ही केक में मैंने रेड वाइट का कॉम्बिनेशन एकदम भर भर के किया, और जो नीचे स्पेस भी था मैंने वहाँ पे भी सारों में रेड कलर के फ्लावर्स बना दिए, और कितना प्यारा लुक लग रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देख लीजिए। तो आप लोगों ने ये मेरी डेकोरेशन तो बेस की देख ली होगी, तो चलिए फटाफट से डॉल की भी डेकोरेशन देख लेते। तो डॉल की ड्रेस के लिए आपको क्या करना, थोड़ा इसका चोली जो है वो थोड़ा अच्छे से लुक का लगे, तो इसके लिए आपको जिस शेड का कलर आप यूज़ कर रहे हैं उसका आप डार्क शेड लीजिए। मैंने लाइट कलर जो रेड यूज़ किया था उसी का मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का किया रेड, और फिर मैंने अपने पेपिंग बैग में नोज़ल लगाई और उसके अंदर डार्क कलर के रेड कलर की क्रीम पूरी फिल कर दी, और कितना प्यारा लुक लग रहा था ये तो आप खुद देख सकते हैं। पहले तो मैंने सेंटर सेंटर की इसकी चोली बनाई, और फिर उसके बाद मैंने पीछे की उसकी डिज़ाइन कवर की, जो इसके हैंड थे उसको भी कवर करना रहता, तो इस चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। पहले तो इनके हैंड ऊपर कर दीजिए जब भी आप डॉल बनाइए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट ये रहता है कि उसके धीरे से हाथ हमें नीचे करने हैं। उसके बाद में आप उसके पीछे की ड्रेस कंप्लीट कर सकते हैं, ये देखिए। आप लोग खुद देख सकते हैं नीचे के कलर से ऊपर का कलर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो चलिए फटाफट से आगे की भी इसकी कुछ जो डेकोरेशन बची वो, फिर इसके बाद मैंने इसमें स्प्रिंकल्स डाले और केक के लुक को कंप्लीट किया, और सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो आप लोग ये वाली डॉल केक डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबसे इजी, सबसे सिंपल, और जिस भी कलर की थीम हो आप वो थीम यूज़ कर सकते हैं, उस मैचिंग कलर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा लुक लगता है इसका। मुझे तो भाई बहुत पसंद आया, और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। ऐसे डेली मैं नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी, जो कुछ अलग अतरंगी तरीक़ों से, और सबसे ईजी मैं तरीका देखती हूँ जो आप बिगनर से वो काफ़ी जल्दी इसको बना सके। तो ये देख सकते हैं
ये जो थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है तो आप ऐसे इसको रिमूव करके आप फिर से वहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो बना दिया वो सेट हो गया या वही बना रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो ये खुद आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्टार तरीके से बना दिया, ये देखिए। कितना प्यारा लग रहा है हमारा केक। मेरी थोड़ी सी क्रीम कम पड़ गई थी, मैं उसको सही करने लगी और हमारा केक कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये केक डेकोरेशन? सबसे इजी, एकदम ऐसा लग रहा वो बेबी गर्ल ने गाउन पहने हुए, और इतना प्यारा लग रहा था। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।